अस्सलाम असलम प्यारा वीवर क्या हाल है तबीयत से ठीक है मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आरिफ तो वीवर आज के दिन का आगाज़ करते हैं आज एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं तो आज तकरीबन टाइम हो चुका है दो बज के पच्चीस मिनट का तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी बहुत है जिस तरह मैंने पहले भी बोला है कि इस टाइम सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं आज तो दूसरा तीसरा दिन है सूरज भी नहीं निकला तो वीवर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि मैं अपने जानवरों वगैरह का खू खुला छोड़ने वाला हूँ तो मैंने एक देसी टाइप का एक उनका फार्म बनाया है कि मैंने ये बांस वग़ैरह लगा के इनको अंदर छोड़ दिए जो बड़ी गायें थी तकरीबन दस बारह गायें थी तो वो मैंने छोड़ दिए अंदर बाकी उसके ये बछड़े वगैरह ये बहर हैं तो इन कुछ अरसे बाद मैंने ये जो पुराना है ये बांधने वाला जनऊ का घर इसको तोड़ के इस जगह पे बनाना है बड़ा मैंने करटअप कर दिए ये बाँस मैंने लगा दी है बाँस लगे हुए हैं बाकी गाय वगैरह छोड़ दी हैं तो तंग तो बहुत कर रही हैं तो इन कुछ दिनों बाद ये खुद ही सेट हो जाएंगी तो बाकी ये जो बछड़े वग़ैरह हैं ये मैंने बहर छोड़े हुए हैं ये वाले तो ये तीन बड़े बछड़े हो गए ये मेल हो गए और बाकी ये जो छोटे हैं बाकी जानवर वगैरह इधर से बहर लेके आता हूँ जो जिस गाय का दूध वगैरह निकालना हो तो इस रास्ते से तो अभी फिलहाल ये मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है लेकिन कल मिस्त्री आया था मैश करके गया है तो एक गेट इस साइड पे लगाना है और दूसरा गेट लगना है उधर वो है सवा चार फुट का और ये सवा साढ़े छः फुट का तो इधर से रेडी वगैरह जो गोबर वगैरह उठा के निकालेंगे वो इस दरवाज़े से बाकी उस साइड से टोका मशीन है तो टोका मशीन से घास वगैरह जो लेके है उस दरवाजे से तो बाकी अलहमद लाला सेटअप बहुत ही प्यारा ये सामने रहा मेरा घास ये घास है ये बाकी मुर्गियां भी इंजॉय अपना कर रही हैं तो ये रहा मेरा ये वाला जो है ये सैलेज है तो ये मैंने मुर्गा भी अभी लिया है पंद्रह सौ का ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह